नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है, खैर मकदम है। दोस्तों, एंटीलिया और मनसुख मर्डर केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने पूर्व एसीपी एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी से पहले शर्मा के अंधेरी ईस्ट के भगवान भवन अपार्टमेंट में एक रेड होती है और यहाँ कई घंटे तक शर्मा से पूछताछ होती है और एक दर्जन से ज्यादा की संख्या में एनआईए के लोग शर्मा के घर को अभी भी खंगाल रहे हैं और शर्मा के मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को एनआईए ने जब्त कर लिया है और शर्मा पर एंडेलिया केस के सबूत मिटाने की साजिश में शामिल होने का आरोप है। दरअसल एनआईए जानना चाहती है कि प्रदीप शर्मा, बर्खास्त किए हुए एपीआई सचिन बजे और पूर्व कॉन्स्टेबल विनायक शिंदे के कॉन्टैक्ट में थे या नहीं। मनसुख हिरन की हत्या के मामले में उन्हें अरेस्ट किया गया। पूर्व कांस्टेबल विनायक शिंदे भी शर्मा का काफी करीब रहा है और शिवसेना के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शर्मा थाने की एंट्री एक्सटॉर्शन सेल में रह चुके हैं और 90 के दशक में मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम में उन्हें शामिल किया गया था। इस टीम को अंडरवर्ल्ड के सफाई का जिम्मा सौंपा गया था और यही से शर्मा एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बने। बहुत सारे ऐसे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि ये सचिन वजे और प्रदीप शर्मा का आपस में क्या कॉन्टैक्ट है, क्या कनेक्शन है। तो एनआईए के पास प्रदीप शर्मा और सचिन वजे की एक मीटिंग की जानकारी है। जांच के दौरान एजेंसी को ये भी पता चलता है कि मनसुख के मर्डर के कुछ दिन पहले वजे ने अंधेरी इलाके में एक व्यक्ति से मुलाकात की थी और प्रदीप शर्मा भी इसी इलाके में रहते हैं। शक ये है कि मीटिंग वजे और शर्मा के बीच में हुई। एक सीसीटीवी फुटेज के वजह और शिंदे बांद्रावली सी लिंक पर कार में बैठे दिखाई भी दिए हैं और एजेंसी का ये भी मानना है कि ये दोनों अंधेरी में शर्मा से मिलने ही जा रहे थे। मनसुख को जिस नंबर से कॉल करके बुलाया गया था उसका आखिरी लोकेशन भी अंधेरी का जेवी नगर था। एनआईए ने वजह को साथ लेकर के 3 अप्रैल की रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी में कई इलाकों में छापे भी मारे थे। और अब हम आपको ये भी बताते हैं कि एनआईए शर्मा से क्या जानना चाहती है। एनआईए शर्मा से जानना चाहती है कि शर्मा ने आखिरी बार वजे से कब मुलाकात की, क्या शर्मा के नौकरी छोड़ने के बाद वजे उनके कांटेक्ट में थे, उनके संपर्क में थे, उनकी मुलाकातें होती थी, क्या शर्मे की वजे और शिंदे के साथ मीटिंग हुई, क्या वजे और शिंदे ने शर्मा से मनसुख हिरेन के बारे में कोई बातचीत की। और 2007 में जब वजह को सस्पेंड किया गया था उसके बाद उसने शिवसेना ज्वाइन की थी और ये भी माना जाता है कि शर्मा की शिवसेना में एंट्री कराने वाला वजह ही था। हालांकि शिवसेना की ओर से लगातार ये कहा जाता रहा है कि 2008 के बाद उन्होंने वजह की सदस्यता को रिन्यू नहीं किया था। प्रदीप शर्मा को ही वजह का गुरु कहा जाता है। वे खुद नाल सपोरा विधानसभा से शिवसेना के टिकट पे 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और शिंदे 10 साल तक उसी एनकाउंटर टीम का हिस्सा रहा जिसमें शर्मा भी थे। छोटा राजन के गुर्गे लखन भैया का फर्जी एनकाउंटर करने का आरोप शर्मा, शिंदे और उनकी पूरी टीम पे लगा था। आरोप ये था कि मुंबई के बिल्डर जनार्दन भाड़े से पैसा लेने के बाद लखन का एनकाउंटर किया गया था। शर्मा को सस्पेंड भी किया गया था लेकिन बाद में वे कोर्ट से बरी हो गए थे। विनायक किसी मामले में गिरफ्तार हुए थे, वह पैरोल पे बाहर आया था और इसी दौरान मनसुख का मर्डर सामने आता है। उत्तर प्रदेश में जन्मे और धुले यानी कि महाराष्ट्र में आकर के बसे प्रदीप शर्मा ने 35 साल की पुलिस की सर्विस में लगभग 112 एनकाउंटर किए और 100 से ज्यादा एनकाउंटर करने वाले वो देश के पहले पुलिसकर्मी हैं। 2019 में उन्होंने महाराष्ट्र पुलिस विभाग को छोड़ दिया। इसके बाद 2019 को उन्होंने चुनाव भी लड़ा और इस समय वो अपना एक एनजीओ भी चलाते हैं। तो दोस्तों, इतना सब करने वाले प्रदीप शर्मा से लगातार एनआईए की टीम जांच कर रही है। उनके घर में एक एक सामान को खंगाला जा रहा है। आप मेरे साथ बने रहिए और ये कंटेंट आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइए अपनी टिप्पणी के जरिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।